हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनएन स्पोर्ट्स और मैं हूं रवीश। एनएन स्पोर्ट्स में हम आपको लगातार आईपीएल की अपडेट दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आईपीएल को शुरू होने में अब कुछ ही वक्त रह गया है, तो आज हम बात करते हैं किंग्स इलेवन पंजाब की। किंग्स इलेवन पंजाब की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2014 में भी आईपीएल का एक पोर्शन यूएई में आयोजित किया गया था और उस दौरान किंग्स इलेवन पंजाब ने अपने सारे मुकाबले जीते थे। यही नहीं, ये टीम फाइनल तक भी पहुंची थी लेकिन खिताब को जीत पाने में कामयाब नहीं हो सकी थी। तो क्या इस बार किंग्स इलेवन पंजाब आईपीएल की चैंपियन बन सकती है? साल 2014 में खेले गए आईपीएल में यूएई के सारे मैच जीतने के कारण माना जा रहा है कि यूएई किंग्स इलेवन पंजाब के लिए काफी लकी रहा। इस बार तो पूरा का पूरा आईपीएल यूएई में ही हो रहा है, तो क्या किंग्स इलेवन पंजाब की टीम ऐसा कुछ कर पाएगी जो अभी तक नहीं हुआ? इस बार किंग्स इलेवन पंजाब ने टीम इंडिया के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल को कप्तान बनाकर बड़ा दाव खेला है, इसलिए अब केएल राहुल की भी बड़ी परीक्षा होगी। राहुल अभी तक कभी कभार ही टीम इंडिया की कप्तानी कर चुके हैं लेकिन उन्हें टीम इंडिया का भविष्य का कप्तान भी माना जा रहा है, इसलिए भी ये टूर्नामेंट केएल राहुल के लिए बहुत खास होने वाला है। पिछले करीब 4 महीने से तो भारतीय टीम ने कोई मैच नहीं खेला है लेकिन उससे पहले जब टीम इंडिया खेल रही थी तब केएल राहुल अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। क्या ये प्रदर्शन आईपीएल में भी जारी रहेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। किंग्स इलेवन पंजाब के कप्तान केएल राहुल महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा की कप्तानी में खेल चुके हैं, तो क्या इस बार केएल राहुल इन तीनों बड़े कप्तानों को टक्कर दे पाएंगे? लोकेश राहुल के लिए चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि बल्लेबाज, विकेटकीपर और कप्तान, यानी तीन तीन बड़ी जिम्मेदारियां उन्हें निभानी होगी जो आसान नहीं होने वाला। इस बीच केएल राहुल ने अपने कप्तानों के बारे में बात की है। राहुल ने कहा कि एमएस धोनी शांत स्वभाव के कप्तान हैं और खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा करते हैं, साथ ही अपनी टीम को पूरा सपोर्ट भी करते हैं। इसी कारण चाहे टीम इंडिया हो या फिर चेन्नई सुपर किंग्स, चैंपियन टीम कहलाती है। अपने सबसे अच्छे दोस्तों में से एक विराट कोहली के लिए राहुल ने कहा कि विराट कोहली शानदार तरीके से टीम को लीड करते हैं और खिलाड़ियों से भी यही चाहते हैं कि वो भी अपना 100% दे। वहीं रोहित शर्मा के लिए केएल राहुल का कहना है कि वो शानदार कप्तान हैं और पूरी टीम के खिलाड़ियों को पूरा सपोर्ट करते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि केएल राहुल की परीक्षा बड़ी और कड़ी क्यों होने वाली है और किन दिग्गज कप्तानों से उनका मुकाबला होने वाला है। आईपीएल की कप्तानी केएल राहुल के लिए आसान नहीं होने वाली। एक बार चार बार की चैंपियन टीम के कप्तान मुंबई इंडियंस के रोहित शर्मा होंगे तो दूसरी ओर 3 बार के आईपीएल चैंपियन कप्तान एमएस धोनी होंगे। विराट कोहली भले ही अपनी टीम को कभी आईपीएल न जिता पाए हों लेकिन उनकी कप्तानी पर कभी सवाल नहीं उठे। बस इतना है कि किस्मत विराट कोहली का साथ नहीं देती। वहीं स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर जैसे ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज भी अपनी टीमों की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। लोकेश राहुल को उम्मीद है कि किंग्स इलेवन पंजाब के हेड कोच अनिल कुंबले उनके लिए बड़े रणनीतिकार साबित हो सकते हैं। क्या कुछ कहना है अनिल कुंबले के लिए केएल राहुल का, वो भी आपको बताते हैं। केएल राहुल ने आईपीएल की वेबसाइट से कहा कि अनिल भाई जैसे व्यक्ति के मौजूद रहने से इस सत्र में मुझे काफी मदद मिलेगी। एक ही राज्य से होने के कारण मैदान के बाहर मेरे उनके साथ काफी अच्छे रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि वो कप्तान के रूप में मेरे लिए चीजें काफी आसान कर देंगे। मुझे पता है कि वे अधिकांश रणनीति बनाएंगे और मुझे सिर्फ मैदान पर उतरकर योजना को अमलीजामा पहनाना होगा। राहुल पिछली 2 सीरीज से काफी अच्छी फॉर्म में हैं और इस दौरान उन्होंने क्रिस गेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए आईपीएल 2018 और 2019 में 659 और 593 रन बनाए। केएल राहुल ने कहा कि ग्लेन मैक्सवेल पहले भी किंग्स इलेवन पंजाब का हिस्सा रहे हैं और टीम के साथ कामयाब भी रहे हैं। नीलामी में जाते हुए हमें स्पष्ट था कि हमें वो टीम में चाहिए। किसी निश्चित दिन वो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त करने की क्षमता रखते हैं। पिछले कुछ सत्र में हमने महसूस किया है कि हमारे मध्यक्रम में प्रभाव छोड़ने वाले ऐसे खिलाड़ियों की कमी है। अगर इतिहास पर नजर डालें तो इस बार किंग्स इलेवन पंजाब एक बड़ी दावेदार बनकर सामने आ सकती है। अब देखना यह होगा कि केएल राहुल और अनिल कुंबले का कॉम्बिनेशन क्या रंग लाता है। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी यूट्यूब स्पोर्ट्स चैनल एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं।